बिहार और तेलंगाना की राजनीति में उलट पलट तो जग जाहिर है, और अगर बात करें साल 2024 की तो इसमें होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए तमाम पार्टियां अपना पूरा जोर भी लगा रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अगुवाई का सपना देख रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। केसीआर के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही थी कि इस बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 फरवरी को हैदराबाद आने का न्योता भेज दिया है। दरअसल बीते दिनों केसीआर ने सचिवालय की पूरी बिल्डिंग को गिरवा कर करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से नए सचिवालय भवन का निर्माण कराया, और अब 17 फरवरी को उसका उद्घाटन होना भी तय है। खास बात तो ये रही कि उद्घाटन वाले दिन ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन भी है। हालांकि नए सचिवालय भवन के उद्घाटन के बाद हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मात देने के लिए तो नहीं है। क्या सभी विपक्षी दल मिलकर बीजेपी का पत्ता साफ कर पाएंगे? अगर बात करें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की, उन्होंने 17 फरवरी को तेलंगाना में समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुलावा तो भेजा है, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार इसको लेकर क्या कहते हैं देखिए। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जा पाता। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाधान यात्रा और अगले महीने शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के कारण वो काफी व्यस्त रहेंगे।